मालखरौदा विकासखंड के पीरीत गांव में 10 जून से बोरवेल में फंसे राहुल को बचाने रेस्क्यू की टीम लगातार काम कर रही है। जल्द ही राहुल को बोरवेल से बाहर निकाल लिया जाएगा। बोरवेल के हॉल तक सुरंग खुदाई का काम पूरा कर लिया गया है। रेस्क्यू टीम राहुल के नजदीक पहुंच गई है। एम्बुलेंस को तैयार रहने के निर्देश दिए गए। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर राहुल को अस्पताल ले जाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया गया है। मौके पर मेडिकल स्टाफ पूरी तैयारी के साथ अलर्ट मोड पर है। ऑक्सीजन मास्क के साथ स्ट्रेचर की व्यवस्था कर ली गई है। एम्बुलेंस भी तैयार है। एम्बुलेंस में ही सारी चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए उसे अपोलो अस्पताल बिलासपुर तक सुरक्षित पहुंचाया जाएगा। पहले मैं राहुल के बारे में बात करना चाहूँगा। मुझे अभी उसके कंडीशन को देख करके थोड़ा अच्छा लगा कि हेल्थ के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, पहले जो शाम से थोड़ा बेहतर स्थिति में है, खाना मांग रहा है, वीक है थोड़ा सा, पर खाना मांग रहा है, ये अच्छी बात है। सांस उसका प्रॉपर चलता दिख रहा है, जो डॉक्टर्स ने रिपोर्ट दी है उसके हिसाब से चीज़ें लाइफ थ्रेटनिंग अभी नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, हम यदि बात करें टनल की, हम अपने मंजिल के आखिरी मुकाम पे हैं। जो बड़ा स्टोन है उसको पूरा चीरने की कोशिश अंतिम चरण पे है और उसके बाद उसको हम बाहर निकालेंगे, जो माल मलबा मटेरियल है। इमीडिएटली आफ्टर फिर सिक्वेंसिंग प्रॉपर रहेगी, तो होपफुली यदि स्टोन को हम निकाल पाए तो आधे से एक घंटे के अंदर में हम उसको सेव करने की स्थिति में आ सकते हैं। बट चीज़ें अभी भी अंदर पे क्या है उस पर डिपेंड करता है, बट हम लोग थोड़े अभी आशान्वित हुए हैं और आज उसको हम रेस्क्यू करके मोमेंट का काम बच गया है लगभग, क्या कुछ मान माने आपको? मैंने कहा अंतिम चरण, मतलब हम अंतिम चरण पे हैं सर। बेहतर स्वास्थ्य के लिए कहाँ ले जाया जाए? अभी जो डॉक्टर्स की टीम है ये उसको एनालाइज करेगी। इसमें जो CMHO है उनके साथ में पूरी टीम लगी हुई है, प्राइमरीली जो भी कंडीशंस है उसको वो एनालाइज करेंगे और डिपेंडिंग ऑन हेल्थ कंडीशंस, हमने तमाम जो रास्ते के हॉस्पिटल्स हैं, आसपास के नियर बाई हॉस्पिटल्स हैं, सबको रेडी कंडीशन पे रखा हुआ है। हेल्थ के हिसाब से एनालिसिस के बाद में बेहतर से बेहतर इलाज के लिए हम उसको सर लास्ट मोमेंट का टाइम क्या टाइम बता पाना भी मुश्किल।